हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का स्वागत है नंदिता'स किचन में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी और सिंपल तरीके से बनने वाला स्पिनिश चीज़ ऑमलेट की रेसिपी को, जिसको आपको बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और इसको खा के आपका दिल जो है खुश हो जाएगा। अगर आप डाइटिंग पे हैं या फिर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इस चीज़ को जो है अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी स्पिनिश चीज़ ऑमलेट की रेसिपी को। स्पिनिश चीज़ ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया। पैन को गरम होते ही 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 लहसुन के कलियों को बारीकी से काट के, साथ ही में एक हरी मिर्च को भी बारीकी से काट के डाल दें। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और आधे मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में इसको कुक कर लेंगे। जैसे ही हरी मिर्च और लहसुन थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके काट के। तो प्याज डालने के बाद प्याज को भी आपको 1 से 1.5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में कुक कर लेना है। प्याज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो 2 मिनट बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक। पालक का क्वांटिटी मैं यहाँ पे 2 बंडल इस्तेमाल की हूँ और पालक के पत्ते को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं। पालक के पत्ते को यहाँ पे काटने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे पूरा ही पालक के पत्ते को हम डाल देंगे पैन में और साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि पालक के पत्ते हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। गैस इंडक्शन के फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे रखें और मीडियम फ्लेम में हमें क्या करना है कि नमक को पालक के पत्ते में अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे आपको पालक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये सॉफ्ट हो जाएगा ना, इसका क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पक जाने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक का क्वांटिटी बहुत ही कम हो गया है और नमक डालते ही पालक के पत्ते से जो है पानी रिलीज होने लगी है। मीडियम फ्लेम में हमें यहाँ पे जो है पानी को सुखा लेना है। तो इस प्रोसेस में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। टोटल 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है और पालक के पत्ते भी हमारा यहाँ पे अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। पानी भी आप देख सकते हैं सूख गया है। इस स्टेज में इंडक्शन को बंद कर देंगे। दूसरी तरफ एक बोल में हम 2 अंडा तोड़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 2 ही अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से अंडा का क्वान्टिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडे यहाँ पे तोड़ लिए है, उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए मैं यहाँ पे जो है ना फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे को हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटना है। अब हम चलते हैं ऑमलेट बनाने के प्रोसेस में। ऑमलेट बनाने के लिए एक तवा गरम करें और उसके ऊपर डाल दें 1 छोटी चम्मच तेल। तेल को स्प्रेड कर दें और थोड़ी देर के लिए अच्छे से गर्म हो जाने दें। जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अंडा। तो अंडे को ना आप और एक बार अच्छी तरीके से फेंट लें तवा में डालने से पहले। तो यहाँ पे फेंटे हुए अंडे को हम डाल देंगे तवे में। गैस इंडक्शन के फ्लेम को आपको जो है मीडियम पे ही रखना है। ऑमलेट को थोड़ा सा बराबर हिस्से में तवे में स्प्रेड कर दे और मीडियम फ्लेम में इसको जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है। ऊपर में हम इसमें डाल देंगे जो हमने पालक को बना के रखे थे ना, उसी पालक को हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा कुक होने के बाद आप पालक को मत डालें, ऊपर से थोड़ा सा सेट हो जाएगा, उसके बाद ही आप ऊपर में पालक को डाल दें। पालक को डालने के बाद 1/2 मिनट के लिए और नीचे से पका लें। जैसे ही ऑमलेट नीचे से अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा हम इसको जो है सावधानी से पलट देंगे। गैस इंडक्शन के फ्लेम को मीडियम पे ही रखें। बहुत ही सावधानी से पलटना है आपको, तो इसको पलट दे और नीचे से भी 1/2 मिनट के लिए कुक कर ले। 1/2 मिनट बाद हम ऑमलेट को और एक बार पलट देंगे। तो ऑमलेट हमारा यहाँ पे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। तो यहाँ पे ना मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ या फिर जो स्लाइस वाला चीज़ आता है ना, आप उसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें जब आप चीज़ डालेंगे ना ऑमलेट के ऊपर, उस टाइम में ना आप गैस इंडक्शन के फ्लेम को लो पर रखें। लो फ्लेम में ही आपको चीज़ को मेल्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर गर्म ऑमलेट के ऊपर चीज़ डाल रहे हैं तो चीज़ जो है आसानी से मेल्ट हो जाएगी। इस स्टेज में हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे और ले चलते हैं स्पिनिश चीज़ ऑमलेट को सर्व करने के प्रोसेस में। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑमलेट को ना एक सर्विंग प्लेट में निकाल दें और इस स्पिनिश चीज़ ऑमलेट को गर्मा गर्म एंजॉय करें।
है ना, बहुत सिंपल और आसान तरीके से इतना पौष्टिक और हेल्दी खाना जो है बनके तैयार हो जाता है। एक फुलफिलिंग और हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। अगर आपको कुछ हेल्दी खाना हो और फटाफट बनाना हो तो आप इस स्पिनिश चीज ऑमलेट की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।